हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। मेकिंग चार्ज सिर्फ 12% फ्लैट, दगरुसेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, ऑफर केवल 15 दिनों के लिए। इसके बिना पूरी नहीं आपकी तैयारी, टेस्ट सीरीज फॉर नीट एंड जी मेन्स 2024 स्टार्टिंग फ्रॉम 17 सितंबर, अपराजिता विद्याकुंज, प्रोफेसर कॉलोनी, दिघी वेस्ट, दरभंगा। फॉर डिटेल्स कॉल और कॉन्टैक्ट ऑफिस। शहर दरभंगा से थोड़ी ही दूर पर लीजिए आउटिंग का मजा, स्पार्कीज रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, स्वीट्स एंड बेकरी विद किड्स प्लेटोरियम, सीसो चौक से पहले, मब्बी कमतौल रोड, दरभंगा। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज, दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। सारी हाउस दरभंगा, अपनी शादी को और भी यादगार बनाइए हमारे न्यू वेडिंग कलेक्शन के साथ। ब्राइडल लहंगा, दुल्हन साड़ी, गाउन, कुर्ती, मेंस और किड्स वेयर के आकर्षक कलेक्शन आपके बजट में। आज ही शॉपिंग करें, लहरिया सराय, दरभंगा। मार्बल व्यवसायी पर बदमाशों ने की फायरिंग, घटना के डर से व्यापारी ने बंद की दुकान। भागलपुर से यह बड़ी खबर है, जहां मार्बल व्यवसायी को गोली मारी गई है। भागलपुर के तातारपुर थाना क्षेत्र में लाल कोठी पेट्रोल पंप के पास यह घटना हुई है। टाइल्स और मार्बल दुकान के संचालक वलीउल्ला और टिंकू अंसारी पर बेखौफ अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। फायरिंग में टिंकू अंसारी बाल बाल बच गए, गोली टाइल्स में जा लगी। घटना दिन के 1:15 के आसपास की है। टिंकू अंसारी कुख्यात अपराधी इनायतुल्ला अंसारी का भतीजा है। फायरिंग के बाद टिंकू अपनी दुकान बंद कर डर के कारण भाग गया। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद टिंकू ने अपनी दुकान पर फिर से पहुंचकर घटना की सारी जानकारी पुलिस को दी। घटना स्थल से जांच के दरमियान पुलिस को एक खोखा मिला है। टिंकू अंसारी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। साल 2016 में टिंकू और मोस्ट वांटेड टिंकू मियां और तालिब के गैंग के बीच ततारपुर के बढ़ाई चक में गैंगवार की घटना भी अंजाम दी गई थी। टिंकू ने बताया कि बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाश आए थे, उन्होंने फायरिंग की और मौके से फिर भाग गए। घटना को लेकर डीएसपी सिटी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि 2 अज्ञात लोगों के फायरिंग करने की सूचना पुलिस को मिली थी। मामले की जांच की जा रही है।